Hey guys, welcome back to my channel। और बात करते हैं आज हम लोग क्या टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। तो ये कुछ टाइम पहले, एक दो दिन पहले बम्पर ये कहीं पे लड़ गया था, या कहें तो कोई गाड़ी वाला रिवर्स कर रहा था, उसने अचानक से यहाँ पे मार दिया था। ऑल दो ये ऑलरेडी रिपेयर था, तो हम लोग इसको आज DIY होम पे रिपेयर करने वाले हैं कि आप बहुत आसानी से कैसे इसको रिपेयर कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोगों को क्या क्या चाहिए होगा वो मैं बता देता हूँ। पेचेस की बात करते हैं तो सबसे पहले ये नट ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि हम लोग इनको ही निकाल के वापस से लगा सकते हैं, क्योंकि ये बम्पर ऑलरेडी ख़राब है। ठीक है, इसका कुछ सेंस बनता नहीं है कि इसको चेंज कर दो, या चेंज करने के लिए भी पैसा चाहिए है, लेकिन क्या मतलब है यार, फिर से लगेगा, फिर से टूट जाएगा, तो ऐसा कोई सेंस नहीं बनता इसको चेंज करके, क्योंकि ये डेली ड्रिवन कार है या सिटी ड्रिवन कार है। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या, ये लोग पुट्टी लगाते हैं, काइंड ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पुट्टी आती है वो लगाते हैं, लेकिन हमारे पास तो वो अवेलेबल नहीं है। तो हम किस चीज़ से इसको हील करने वाले हैं या किस चीज़ से इसको कवर करने वाले हैं तो वो बताते हैं। और हमें एक पेचकस चाहिए, एमसील चाहिए, हम लोग इसको एमसील से करेंगे, रेगमाल से घिसाई करेंगे, देन उसके बाद स्प्रे पेंट कर देंगे, दैट्स इट। तो बहुत आसान सा प्रोसेस होने वाला है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि क्या क्या है। तो मैं प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट कर देने वाला हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, मतलब ज़्यादा टाइम भी आपका कंज्यूम ना हो, क्योंकि कम से कम 15-20 मिनट लगने वाला है, और 15-20 मिनट हम लोग वीडियो खींचे तो वो सेंस नहीं बनता है। तो सबसे पहले देखिए, मैं दो चीज़ तो लेके आ गया हूँ, ये एमसील दो पैकेट, ठीक है, और हमारे पास पेचकस पड़ा होगा, बस ये रहा पेचकस। तो हमें केवल एक पेचकस चाहिए, दो एमसील चाहिए बस, और आराम से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। एक एमसील ये रही, एक सीट के नीचे कहीं गिर गई है तो उसको निकाल लेते हैं। हाँ, ये तीन चीज़ें चाहिए, और फ़ोन का कवर पड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा साइड में आ रहा हूँ क्योंकि गिम्बल यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, और वाइड एंगल में आईफोन में गिम्बल शो हो जाता है, तो थोड़ा सा माइंड मत करिए, इससे स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आएगी और थोड़ा सा मतलब अच्छा रहेगा शूट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, पेच निकाल देता हूँ। पेच तो मैं ऐसे नॉर्मली निकाल देता हूँ ना, ताकि आपको ईजी समझ में आए कि कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले इसको हम लोगों ने किया निकाला, देन इसको थ्री पॉइंटर्स वाला है, इसको स्टार वाला पेचकस बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ से हम लोग गए और इन पेचों को हमें बस ऐसे ढीला करना है, ऐसे घुमा के, ये ईजिली ढीले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं बस। तो क्यों फालतू बाहर 4-5 हज़ार रुपये देना, काफ़ी मतलब 4-5 हज़ार रुपये ले लेता है बाहर इन चीज़ों को करने के। इस टाइप के दोस्तों कुछ चाइना पेच लगते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये रहे तो इसी में ये इस टाइप के लगे हुए हैं। मैं एक बार निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों इस टाइप के कुछ आप पेच निकले हुए हैं, चाइना वाले पेच बोलते हैं बेसिकली, ये 1.5 इंची के आसपास लंबाई है इनकी। तो इनको हम लोग बम्पर के ऊपर से लगाएंगे सेट करके, उसके बाद का प्रोसेस मैं बताता हूँ। तो बम्पर से के ऊपर लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसको सेट करना पड़ेगा ऐसे अच्छे से, ठीक है। देखो सेट है ही ऑलरेडी, बस वो पेच निकल गए थे क्योंकि एक्स्ट्रा ऑलरेडी लगे हुए थे। तो ऊपर से हमें यहाँ गाड़ देना है, और हम लोग एमसील लगाने वाले हैं। तो एमसील लगाने के बाद में बेसिकली क्या होगा कि ऑलरेडी ही वो अपनी जगह कवर कर लेगा, ऊपर से वो कवर कर देगा, देन स्प्रे पेंट मार के रेगमाल मार के उसको खत्म कर देंगे। यही होता है शायद बाहर भी अगर आप कराने जाओ तो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर में करने जा रहा हूँ, जिससे कि मतलब बहुत लोग होते हैं ना अपनी गाड़ी के साथ, खुद उनको काम करना पसंद होता है, तो इस वजह से वीडियो बन रही है। देखो दोस्तों, हम लोगों ने इसको पेच लगा के सेट कर दिया, ठीक है, हिल नहीं रहा है काफ़ी, तो मतलब भर का भी हमारा काम चल जाएगा। ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ करनी भी सही नहीं है, क्योंकि फिर वो सही नहीं लगता देखने में, ठीक है। अभी ये हिलना बंद हो गया, मेन हमारा कंसर्न था ये हिले ना लटके ना, तो वो चीज़ कवर हो गई है। बाकी इसमें थोड़ा मैं POP वगैरह वो जो भी है MCL एक बार गीला करके भरता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। वीडियो टाइम लैप्स में ही चलने देते हैं, क्योंकि वो बेस्ट रहेगा, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपको पूरा समझ में भी आएगा। ये है दोस्तों MCL, दो पैकेट मैंने ली हुई है, 20 रुपये की आती है, कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आती। इसको आपको अच्छे से मिलाना है, थोड़ा सा आप पानी भी लगा सकते हो, क्योंकि पानी लगाने से आपको वहाँ पे फिनिशिंग देने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। चलो मैं इसको फिनिश करता हूँ, उसके बाद एक बार लगा के दिखाता हूँ।
सी दोस्तों, तो ये हमने पूरा एम सी लगा दिया है, आपको टाइम लैप्स में प्रॉपर दिख गया होगा। तो हमें अब इसको सूखने देना है कम से कम आधे घंटे के लिए। 30 मिनट सूखने के बाद में ये रफली लगा हुआ है वैसे, तो इसे कोई ऐसा दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि हम इसको रेगमाल से घिसके बराबर कर देने वाले हैं। तो 30 मिनट सूखने के बाद आपसे एक बार मिलते हैं, प्रॉपर इसकी वीडियो बनाते हैं घिसाई की एंड पेंटिंग की। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे अपना एम सील लगा दिया है और ये सूख भी गया है काफ़ी हद तक, क्या पूरा ही लगभग सूख गया है। धूप में खड़ी कर दी थी इस वजह से सूख गया ये यहाँ पे। अब हम लोग इसको रेगमाल से घिसेंगे। रेगमाल किधर गया, मैंने किधर रखा, ये रहा, ये रेगमाल रखा हुआ है। तो हम लोग इसको रेगमाल से घिसेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी घिसा हुआ है, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको टाइम लैप्स में लेके दिखाता हूँ कैसे घिसना है। ये मास्किंग हम लोगों ने कर दिया है। मास्किंग करने के बाद ये आता है पेंट, स्प्रे पेंट, 150-200 रुपए के आसपास मिल जाएगा आपकी लोकेलिटी में। मारना कैसे, दूर से थोड़ा सा चेक करके। ये ऐसे बस मार देना है, उसके बाद 5 मिनट वेट करना है, दूसरा कोट मार देना है, दूसरा कोट मारते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो हम लोगों ने इसको पेंट कर दिया है, आप देख सकते हो हल्का सा बस समझ में आ रहा है, वो भी अच्छे से घिसाई करी जाएगी, जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं किया। तो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत देख सकते हो ये उभरा दिख रहा है, तो अच्छे से अगर इसको रेगमाल से और घिसाई करी जाएगी तो ये भी नहीं समझ में आएगा। तो वीडियो थोड़ी पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिएगा वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।